गीत गोविंद संस्कृत साहित्य के सरसतम कवि जयदेव की मधुरतम काव्य रचना। आज से लगभग 800 वर्ष पूर्व रचा गया यह गीत काव्य भक्ति और श्रृंगार के सुरीले समन्वय का अनुपम उदाहरण है। गीत गोविंद की एक एक गीतिका एक एक पद सदियों से भक्तों रसिकों और रचनाकारों के मन को भाव विभोर करता आ रहा है। साहित्य संगीत नृत्य चित्रकला हमारी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का शायद ही कोई माध्यम होगा जिसे गीत गोविंद की संगीतात्मकता ने झंकृत न किया हो। मैथिल कोकिल विद्यापति से लेकर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर तक की रचनाएं जयदेव की ऋणी है। रस राग और रंग की इस त्रिवेणी का जादू हर नए युग के साथ बढ़ता ही गया है। बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन की सभा के सम्मानित कवि जयदेव और उनके गीत गोविंद को लेकर कई कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वे अपनी पत्नी पद्मावती के अनिंद सौंदर्य में ही राधा की छवि निहारा करते थे। पत्नी के अलौकिक प्रेम में आकंठ डूबी हुई जयदेव के अटूट कृष्ण भक्ति ही गीत गोविंद का आधार है। श्री कृष्ण के साथ जयदेव के तादात्म्य के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि कई बार जयदेव के लिखे अधूरे पदों को स्वयं श्री कृष्ण आकर पूरा किया करते थे। गीत गोविंद से जुड़ी ये कथाएं इस उत्कृष्ट गीत काव्य के अलौकिक महत्व को रेखांकित करती हैं। गीत गोविंद में महाकवि जयदेव ने राधा और कृष्ण के मान मनोवल के छोटे से घटना सूत्र के आधार पर 24 चमत्कारी गीतियां लिखी हैं। राधा और कृष्ण के माध्यम से संयोग और वियोग श्रृंगार के अंतरंग चित्र अंकित करने वाली यह काव्य रचना संस्कृत ही नहीं समूचे विश्व साहित्य की अमर उपलब्धि है। चिरंतन प्रेम के चरम क्षणों में भी बहुत गहरे डूबकर महाकवि जयदेव अपने आराध्य कृष्ण की विविध रूपों में वंदना करते हुए ही दिखाई देते हैं। कयोधि जने मृत मानसि वेदम् विहित महेत्र चरित्रम् खेदम् विहित महेत्र
चरित्रं खेदं केशव धृतमीन शरीर केशव धृतमीन शरीर जय जगदीश जय जगदीश हरे हरे दशन शिखरे धरणी तव लग्ना बसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना शशिनी कलंक कलेब निमग्ना केशव धृतशूकर केशव धृतशूकर जय जगदीश जय जगदीश हरे हरे अलग अलग अवसरों पर अलग अलग रूपों में अवतरित होकर श्री कृष्ण हमारे संताप को हरने वाले हैं। छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन छलयसि
सी विक्रमणे बनि मद्भुत वामन पद नखनीर जनित जन पावन पद नखनीर जनित जन पावन केशव धृतवामन रो केशव धृतवामन रो जय जगदीश जय जगदीश हरे कभी वामन तो कभी नरहरि। लीलाधर कृष्ण के ये विविध रूप हमारी व्यथा को शांत करने वाले हैं। हरे
यज्ञ विधेर रह श्रुति जातम निंदसि यज्ञ विधेर रह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृतबुद्धि शरीर केशव धृतबुद्धि शरीर जय जगदीश जय Yeah.